सलमान ने कई एक्टर्स और सिंगर्स का करियर बर्बाद कर दिया। सलमान खान ने ईगो के चलते कईयों के करियर को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है। सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय का करियर ऐश्वर्या रॉय के कारण बर्बाद किया, जिसे लेकर दोनों के बीच हाथापाई भी हो चुकी है। खबर ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अभी आत्महत्या कर ली है, उनका भी करियर सलमान ने ही खराब करने की पूरी कोशिश की। आइए जानते हैं ऐसे 8 स्टार्स के बारे में जिनका करियर सलमान ने बर्बाद किया और जाने क्यों। सुशांत सिंह राजपूत भी इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 1, विवेक ओबेरॉय। बॉलीवुड में अक्सर जिस प्रेम त्रिकोण को दिखाया जाता है, वो वास्तविक जीवन में बदल गया है। सलमान खान के बाद ऐश्वर्या के साथ एक गिरावट आई, बाद में विवेक ओबेरॉय को शांति मिली, जो उस समय साथिया जैसी फिल्म की सफलता के लिए उच्च सवारी कर रहे थे। विवेक के अनुसार, सलमान ने 42 साल के विवेक को शराब के नशे में परेशान किया और तभी सल्लू को नामो शर्माने के लिए प्रेस मीट कहा जाता है। विवेक के बार बार माफी मांगने के बाद भी वो हट को दफन नहीं कर सके और उद्योग में अपने करियर को फिर से जीवित नहीं कर पाए। अनुराग कश्यप। कम ही लोगों को ये बात पता है कि अनुराग कश्यप सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को डायरेक्ट करने वाले थे। अनुराग ने जाहिर तौर पर सलमान को यूपी के लड़के की भूमिका में नहीं डालना चाहा, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि निर्माता सलमान को कास्ट करना चाहते थे, उन्हें इस कैरेक्टर में फिट करने के लिए उन्होंने कथित तौर पर सलमान को छाती पर बाल उगाने के लिए कहा। घटना के बारे में बात करते हुए अनुराग ने एक रिपोर्ट में कहा, मैंने सलमान को पूरा सुझाव दिया और अभिनेता से कहा कि वो अपनी छाती पर कुछ बाल उगाए। जब मैंने उनसे ये कहा तो वो मुझ पर घूर रहे थे और उन्होंने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। अगले दिन अनुराग को निर्माता का फोन आया और वो उनसे मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। निर्माता ने उन्हें एक कांच की बोतल फेंकी और कहा, साले तो सलमान को बाल उगाने बोलेगा। नंबर 3, अरिजीत सिंह। अरिजीत सलमान खान के साथ खिलवाड़ करने के कारण प्रसिद्धि से ऊंचा उठ रहे थे। ये सब एक अवार्ड शो में शुरू हुआ, जब सलमान अवार्ड शो में एंकरिंग कर रहे थे और अरिजीत को सोते हुए देखा गया। यहाँ तक कि जब विजेता के रूप में उनके नाम की घोषणा हुई, तब अरिजीत ने किसी और के द्वारा मंच पर आने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें जगाना पड़ा। मंच पर जब सलमान ने गायक पर एक चुटकुला लिया तो उन्होंने भी चुटकी ली। नंबर 4, रेणुका शहाणे। लगभग सभी हस्तियों ने सलमान खान को काले हिरन मामले में बरी कर दिया। हालांकि रेणुका शहाणे ने लंबी पोस्ट लिखकर फेसबुक पर 18 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अपने बरी होने पर सवाल उठाया। ऐसा कहा जाता है कि इसने दबंग खान अभिनेता को गलत तरीके से रगड़ा। नंबर 5, बिग बॉस 11 के प्रतियोगी जुबैर खान। बिग बॉस 11 के प्रतियोगी जुबैर खान और सलमान खान ने शो के अंदर इतनी बड़ी झड़प थी कि सलमान ने उन्हें शो छोड़ने के लिए कहा। प्रतियोगी ने ये कहकर उसे धमकाने की कोशिश की कि मैं विवेक ओबेरॉय नहीं हूँ, मैं तेरी बाजू ना, जुबैर खान भूखा नंगा, तू उसको खिलाएगा। ये सब सलमान खान के द्वारा अपने दुर्व्यवहार के लिए एक एपिसोड में उन्हें बाहर करने के बाद शुरू हुआ। सलमान खान ने कहा, तुझे कुत्ता बनाऊंगा। जुबैर इतने आहत हुए कि उन्होंने कहा कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। नंबर 6, रणबीर कपूर। जब कटरीना कैफ को उन्होंने डेट करना शुरू किया था तो रणबीर कपूर लॉगर हेड्स पे थे। अफवाहें तो ये भी थी कि जब उन दोनों के बीच में कॉल वॉर शुरू हुई और वो दोनों वास्तव में एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। यहाँ तक कि सलमान की बहन अर्पिता की शादी में भी सलमान ने मंच शेयर नहीं किया। सलमान खान को ये बात पसंद नहीं आई कि कटरीना ने खान सरनेम की बजाय कपूर को चुना। नंबर 7, सोना महापात्रा। कहा जाता है कि सोना और सलमान के बीच रचनात्मक मुद्दे थे। एक गीत की रचना कैसे की जानी चाहिए और उसके बाद वो लकड़हारे पर रहे। जब सुल्तान की प्रमोशन के दौरान सलमान ने एक अजीब टिप्पणी की थी कि उन्हें एक बलात्कार वाली महिला की तरह महसूस किया गया था, तो उन्हें काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा और सोना महापात्रा अपनी हस्तियों में से एक थी जिन्होंने खुलेआम उन पर हमला किया। नंबर 8, सुशांत सिंह राजपूत। सूरज पांचोली के कहने पर सलमान ने सुशांत सिंह राजपूत के करियर को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बाद सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और फिल्म बनाना चाहते थे और सलमान की से लेकर सुशांत से बात भी हो गई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बार सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे, जहां पर सूरज पांचोली का उनके साथ झगड़ा हो गया और फिर सूरज ने ये सब कहा सलमान खान को और सलमान ने कॉल किया सुशांत को। सुशांत ने कहा कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी और अपना सारा पक्ष रख दिया सामने। लेकिन बॉलीवुड में कहा जाता है कि जब सलमान भाई कॉल करे तो बोलो मत, सिर्फ सुनो। बस यही पर गलती हो गई कि अपना पक्ष रख दिया। इसके बाद क्या था, इसके बाद सलमान जो सुशांत के साथ फिल्म बनाने वाले थे वो कैंसिल की और साथ ही बाकी प्रोडक्शन हाउस से भी कहा कि सुशांत के साथ अगर काम कर रहे हो तो बंद करो वो प्रोजेक्ट।
एंड इवन एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया इसी बारे में कि आप सुशांत के साथ कोई फिल्म कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कौन सुशांत। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।